हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं पी रही हूँ चाय, आ जाओ आप लोग भी पी लो। और आज चाय बनाई है अनुराग ने। मैंने बोला अनुराग, जब तक तुम चाय बना दो तो मैं ये कपड़े वपड़े घड़ी कर लूँ जो कल वॉश हुए थे, और बाकी के और काम है ना जो कि 10-12 दिन तक ऐसे ही पड़े रहने वाले हैं। तो मैंने कहा उसको मैं समेट लेती हूँ जब तक आप चाय बना लो, फिर मैं ब्रेकफास्ट और बाकी आगे खाने का काम करती हूँ। कपड़े हैं जो मुझे फोल्ड करना है, तो कपड़े फोल्ड करके फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर नहाना धोना करेंगे। जब तक मैं खाने वाने की भी बीच में तैयारी करती रहूँगी, और मैं भी शायद अब मुझे टाइम ना मिले रिकॉर्ड करने का कुछ चीज़। तो चलो फिर मैं अपने काम स्टार्ट कर लेती हूँ सारे। ये मैंने रख दिया है अरबी बॉयल होने। यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ किंचू के लिए पैनकेक, और ये मैक्रोनी जो किंचू ने नहीं खाया था वो मैं खाऊंगी अब। और ये है दूध जिसका हम लोग अभी कॉर्नफ्लेक्स खाएंगे। और किंचू गया है अंदर। नहीं, मुझे तो दिखाना है किंचू। नॉक नॉक। स्पून निकाल लो। हॉट है अभी। फिर इसके बाद किंचू खेलने जाएगा थोड़ी देर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनुप्रियाज व्लॉग। ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग कानपुर जा रहे हैं, तो कानपुर जाने के लिए मैं तो हो गई हूँ तैयार। ये वाला मैंने सूट डाला है, ऐसा है। किंचू भी रेडी हो गया है, अनुराग भी हो गए हैं, बस कैब बुक कर रहे हैं अनुराग। और सारा घर समेट दिया है मैंने, मतलब ठीक से कर दिया है, किचन भी। ये क्या कर रहे हो अनुराग? सारा क्लीन है। ये बर्तन गीले थे इसलिए मैंने लगाए नहीं, आके लगाऊंगी। बाकी सारा किचन मेरा है साफ। ये क्या पड़ा है? अच्छा, ये पराठे का पड़ा है। और यहाँ पे अनुराग, ये अंदर क्यों रख दिया? कीड़ों अच्छा, शूज है इसमें ना। चलो, बुक कर रहे हो कैब? ठीक है, मैं स्लीपर निकाल लूँ। तो चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर से, बाय। और ये क्लिप हम, मैं ट्रेन में बैठ गई थी तब की है, जस्ट बैठे ही थे, अनुराग अभी सामान रख ही रहे थे। ये 4 बजे की हम लोगों की ट्रेन थी तेजस, और 8:30 तक इसने हमें उतार दिया था, कानपुर पहुंचा दिया था। तो बस अच्छा है, अंदर से स्पेशियस है काफ़ी सीट इसकी, इससे भी ज़्यादा स्पेशियस सीट ना उसकी है, कौन सी थी, वंदे भारत की, तो वो भी। और ये इसमें ना स्नैक्स शाम का इवनिंग का मिला था, और इसमें मिक्सचर था, केक था, समोसा था, और ये एप्पल जूस था। इसका ना खाना पीना अच्छा रहता है, मतलब बाकी और ट्रेन से, जैसे शताब्दी है और बाकी जो ट्रेन है ना, इस मतलब क्वालिटी है जो खाने की ना, वो अच्छा देते हैं। और ये ना चाय का है, इसमें इन्होंने गोल्ड अमूल का क्रीम, ये क्रीम था ऐसा, लिक्विड था ये, और मतलब चेंजेस किए हैं काफ़ी पहले से जो नॉर्मल ट्रेन में होते हैं। मुझे नहीं पता शताब्दी में कैसा रहता है, शताब्दी अब कैसा रहता है, पहले तो पता था कोविड से पहले, क्योंकि कोविड के बाद से तो हम जितने बार भी गए तेजस से ही गए हैं, उससे पहले शताब्दी से जाते थे। यहाँ पे किंशु नेल बाइट कर रहा है, मेरे से ही आदत लग गई इसकी नेल बाइटिंग की हैबिट, तो मैं अनुराग से शिकायत कर रही थी। और फिर ना बार बार थोड़ा सा बोर हो जाता है, मम्मा कब पहुँचेंगे, मम्मा कब पहुँचेंगे। तो अभी तो किंचू के मज़े चल रहे हैं, बाबा दादी बाबा बार बार पूछते हैं क्या खाओगे, और क्या चाहिए, और क्या लेकर आए, और क्या चाहिए किंचू को। यहाँ पे ना ये किंचू सो रहा है, और फिर बोलता है मम्मा लेट नहीं पा रहे किंचू। अनुराग ने ना सीट एक्चुअली अलग से बुक कराया था किंचू का, और किंचू का खाना बचा ही था क्योंकि किंचू इतना नहीं खा पाता। तो सीट इसलिए भी ना, क्योंकि ये बड़ा हो गया तो अब नहीं बनता, अब मैं इसको काफ़ी पहले से ही हम लोग इसकी सीट कराने लगे थे। तो इसमें खाने में इन्होंने दिया था पनीर था, दाल, एक सूखी सब्जी, राइस और पराठा दो, और उसके पर और खाने के बाद फिर इन्होंने आइसक्रीम दिया था। तो ये इनका
फिक्स है, मतलब यही रहता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। पहले भी गई थी तब भी यही था और अभी भी यही है, खाने में भी यही है। और ये हम पहुंच गए थे कानपुर। तो मैं आपको बता रही थी किंचू का हम लोग बहुत पहले से कराने लगे, शायद किंचू 4 साल का था तभी से मैं कराने लगी थी, क्योंकि ना मेरे से गोद में नहीं बिठाया जाता बच्चे को, तो अनुराग फिर सीट करा देते हैं। और दूसरा ना किंचू अच्छे से सो पाता है, और सिटिंग वाले में हम लोग इसलिए आते हैं क्योंकि जल्दी पहुँचा देते हैं, हमारा टाइम बच जाता है। तो ये ऑटो कर लिया था हम लोगों ने घर आने के लिए, और बस अच्छा लगता है मुझे, मतलब अच्छा लगता है कानपुर में। तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं यहीं पर ही हूँ, इसीलिए धीरे बोल रही हूँ क्योंकि आसपास फिर सब लोगों को डिस्टर्ब होगा। और दूसरा, अभी मैं फ्रैंक नहीं हुई हूँ सबके सामने भी व्लॉगिंग करने में और ये सब करने में, और थोड़ा धीमे मेरी वॉइस आ रही होगी क्योंकि मैं वॉइस ओवर बहुत धीरे कर रही हूँ थोड़ा सा। और हमारा घर ना रोड पर है तो आपको पीछे का बैकग्राउंड नॉइस भी काफ़ी आ रहा होगा, तो इग्नोर करना कुछ दिन के लिए। रोड में ना काफ़ी ट्रैफिक रहता है तो पी 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 आपको आवाज़ आती ही जाएगी। किसी दिन मैं ना आपको होम टूर कराऊँगी अपने उसका। और आंटी भी पीछे बर्तन वॉश कर रही है, तो मैं ना ये जा रही थी ना जैसे स्टेशन से निकल रही थी तब का क्लिप है ये, जस्ट मैं निकली थी बाहर का है। और यहाँ तो गाइज हम लोग आ गए थे कानपुर, और अब चेंज कर लिया, किंचू का भी चेंज। ये है हमारा बेड, आपसे आपको यही हमारा बेडरूम दिखेगा कुछ दिन तक, किंचू मज़े कर रहा है। और ये है किंचू का टॉय बेड, किंचू के टॉय फैले रहते हैं इसमें। तो चलो अब हम लोग सोएंगे, बहुत थक गए थे, खाना वाना खाकर आए थे। ये है मेरा फेवरेट गन। हाँ, ये एक फेवरेट गन, स्पाइडरमैन गन। तो चलो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और थक गए हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे ना बहुत गर्मी है कंपैरिजन टू दिल्ली। दिल्ली में ठीक है, बाहर का नहीं पता मुझे वेदर, लेकिन हमारे घर में अच्छा रहता है, ना गर्मी है ना ठंडी है अभी इस टाइम पे, लेकिन यहाँ पे फैन चलाने वाली गर्मी, हम लोग फैन चला रहे हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, और आगे आपको अपना घर दिखाऊंगी। तो बाय, गुड नाइट।